मित्रों, ये एक इधर कोटड़ा में मेन गेट है। ये मंगलम प्लेट के पास में ही है और इसी गेट से आप चामुंडा माता जी का प्राचीन मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं और विवेकानंद गार्डन पे भी जा सकते हैं। वो यही मेन गेट है और यहीं से आप गार्डन पे भी जा सकते हैं और चामुंडा माता जी के भी जा सकते हैं। तो आपको पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो दिखाई हैं और एक बार हमारे चैनल में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा मित्रों, और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। राम राम भाइयों, आप सभी को मेरा चैनल में हैप्पी जर्नी जीरो के एम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको लेके आया हूँ चामुंडा माता का अजमेर में बहुत ही भव्य मंदिर है, जो प्राचीन बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जो मेन मंदिर है। आज मैं आपको वहाँ दर्शन करूँगा और मेन मंदिर है ये कोटड़ा में है और कोटड़ा में जो पहाड़ी पे मतलब माता जी का जो मंदिर है विराजमान है और यहीं से जो थोड़ा नीचे मतलब माता जी का जो मूर्ति है वहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। जो मेन प्राचीन मंदिर है वो यही मंदिर है और यहाँ आपको हम लेके आए हैं और यहाँ का पूरा मंदिर का जो वीडियोग्राफी पूरा करके दिखाएंगे और यहाँ के भोपा जी है, भोपा जी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और माता जी के बारे में सारी जो मतलब जो कहानी घटी हुई है उस टाइम की, जो लोगों की भावना से, श्रद्धा से, जितने भी जो भी बातें जो जुड़ी हुई हैं सारी बातें आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी मित्रों। तो आज आपको हम आगे आपको लेके चलेंगे और पूरा जो मंदिर का काम चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब इधर का पूरा दिखाऊंगा और नेक्स्ट टाइम और आपको इस चैनल में दिखाएंगे। तो अभी जितना भी हो सकेगा मैं पूरा दिखाऊँगा और अभी काम चल रहा है माता जी का मंदिर का। और यहाँ से ही मतलब वो जो पहाड़ी पे पहले हमारे चैनल में आपको दिखाई था हमने चामुंडा माता जी का मंदिर, जो वो था हाथीगढ़ा पे अपने बोराज का मंदिर, बोराज का जो पहाड़ी पे मंदिर है वो मंदिर हमने आपको दिखाया। और ये मंदिर जो है ये प्राचीन मंदिर है और ये मेन मंदिर यही है। तो यहाँ से पहले हमने मतलब वो वाला मंदिर दिखाया, अब ये प्राचीन मंदिर ये दिखाएंगे और यहीं से वो माता जी का जो मूर्ति था वो गया बता रहे हैं। यहाँ के जो भोपा जी से चौहान जी लेके गए, हाँ जो भोपा जी से हमने थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, यहाँ के गांव वालों से भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो उन्होंने बताया है। और ये जो माता जी है ये राव समाज की कुल देवी माता जी है और इसको बहुत ही मतलब राव समाज का जो सरदार से और राव समाज जो है ना मतलब बहुत ही मानते हैं। और जो भी जो घर पे फंक्शन है, कुछ भी कार्य होता है, सबसे पहले कुलदेवी माता जी को याद किया जाता है, उसके बाद ही सारा काम होता है। और बहुत ही सरदार से, बहुत ही लगाव से माता जी का मतलब भक्तों का आवाजाव बना रहता है, वो बहुत ही जुड़ा हुआ है। तो आज आपको मैं पूरा दिखूंगा मित्रों। ये कोटड़ा में है और पहाड़ी के ऊपर है, ये विवेकानंद एक जो गार्डन पार्क बना हुआ उस पार्क के पास में ये मंदिर, और इसका पूरा रोड वगैरह सब पूरा पक्का बना हुआ है। और पहाड़ी पे आप भी बाइक वगैरह लेके आ सकते हैं, फोर व्हीलर लेके आ सकते हैं, कोई भी आपको अड़चन नहीं आएगी। बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ तक आपको दर्शन करने आ सकते हैं, और बहुत अच्छा मंदिर मित्रों, ज़रूर आइएगा दर्शन करने। तो अब आपको आगे लेके चलता हूँ मित्रों, पूरा मंदिर के चारों मेहर अंदर तक का, माता जी की प्रतिमा का सब कुछ पूरा वीडियोग्राफी दिखूंगा मित्रों। तो अच्छा मंदिर है और यहाँ तक आपको दर्शन करने आ सकते हैं, और बहुत अच्छा मंदिर मित्रों, ज़रूर आइएगा दर्शन करने। तो अब आपको आगे लेके चलता हूँ मित्रों, पूरा मंदिर के चारों मेहर अंदर तक का, माता जी की प्रतिमा का सब कुछ पूरा वीडियोग्राफी दिखूंगा मित्रों। तो और मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वैसे तो राव समाज का और सभी लोगों के मतलब एक सहयोग से ये मंदिर का जो पूरा बन रहा है, मंदिर का काम चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि आप भी अगर सहयोग करना चाहते हो तो सहयोग कर सकते हैं माता जी के मंदिर पे, और इस जो निर्माण का कार्य चल रहा है, जो भी आपसे श्रद्धा से हो आप निर्माण कार्य में मदद कर सकते हैं। और अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, यहाँ की जो माता जी की आरती वगैरह का जो शुरू हो गया है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आरती का प्रोग्राम पूरा दिखाता हूँ मित्रों, और माता जी के दर्शन कराता हूँ और माता जी के जोत वगैरह है दर्शन कराता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, आरती का टाइम हो गया और आरती हो रही है। Thank you.
Thank you.
Thank you.
परिक्रमा देव जो जैसे बिरजू का स्थान है ये। अच्छा बिरजू का स्थान ये है। अच्छा अच्छा बिरजू स्थान है। हाँ तो ऊपर जो बिरजू महाराज वो अलग है, वो उधर का वो अलग है ना, ये माता जी के साथ में रहते हैं वो बिरजू महाराज। बिरजू जी यहाँ कुछ और भी होगा। हाँ और बिल्कुल मित्रों ये भाई साहब हमारे, और ये अभी हमारे को दिखा रहे हैं। अभी हमने माता जी की आरती वगैरह किया है, पूरा आरती पे मतलब हम पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। और माता जी के जो जोत वगैरह होते हैं वो मंदिर के यहीं पे मतलब यहीं से मतलब मेन मंदिर आरती होता है उसमें हमेशा ये मतलब माता जी को तन मन धन से मानते हैं और माता जी की सेवा में रहते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं की भी सेवा में रहते हैं। और बहुत ही मतलब हम लोगों की भी बहुत अच्छी मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार से बात करी, बहुत अच्छा लगा हमारे को इनसे मिल के, बहुत खुशी हुई। आप भी आइएगा मित्रों, बहुत सेवा का मौका दीजिए इनको, बहुत आप लोगों की सेवा की जाएगी। और माता जी का जो है मंदिर पे, वैसे तो माता जी की इतनी करामात है कि यहाँ पे कोई सेवा की कमी नहीं आएगी आप लोगों के। तो माता जी के इतने भक्त हैं यहाँ पे कि बहुत सेवा करेंगे आपकी, एक बार ज़रूर आइएगा और माता जी के दर्शन करके जाओ। तो अब आपको अंदर ले नीचे ले कर चलते हैं मित्रों, ये ऊपर का सीन है। आराम से आके पीछे जी यहाँ भी वो मंदिर है ना, वैसे हो जाएगा क्योंकि ये गार्डन भी बन गया नहीं इधर तो नहीं। सब भक्तजन अब मतलब क्योंकि सब कुछ होगा और क्या है कि ऊपर पहाड़ी पे होने की वजह से लोग जा नहीं पा रहे थे दर्शन करने। हाँ ये पूरा आपको सीन दिखा देता हूँ मित्रों, ये देखो ये जो है ये आनंद सागर का सीन है इधर का, ये चौपाटियों का, और ये पूरी अजमेर की कोटड़ा सिटी है।
दिखाता हूँ मैं, और पूरा सिटी वगैरह पूरा दिखाऊंगा ऊपर से, और मंदिर का पूरा सीन दिखाऊंगा ऊपर से। ये माता जी के निशान लगे हुए हैं, और ये माता जी का मेन मंदिर है मित्रों। अच्छा बनाया, ये पूरा है मित्रों, बहुत भारी मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। ये थोड़ा रात का सीन है, और अभी का काम चल रहा है, पूरी लाइटिंग वगैरह बराबर काम हुआ नहीं है, तो जैसा भी हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा वीडियो दिखाऊंगा आपको। ये माता जी का निशान है, झंडा लगा हुआ है, पूरे पहाड़ पे वही मंदिर ही है ना, वैसे ज्यादा वो सामने ही है मंदिर, वो माता का है इधर, वो फिर वो लक्ष्मी कौन है। तो ये मंदिर दिखाया मित्रों, ये और इधर से दिखा देता हूँ मैं, लेकिन इधर से पूरा नहीं आएगा मित्रों। और ये पूरा इधर से ये सिटी दिखता है, ये कोटड़ा में है, और पूरा इधर से सिटी दिखता है मित्रों। ये देखिए कितना शानदार सीन है। एक बार आप माता जी का आओगे तो जाने का नाम नहीं लोगे, क्योंकि इतना अच्छे वातावरण पे और बहुत ही अच्छी लुभावनी जगह पे माता जी का मंदिर विराजमान है। और यहाँ की जो कमेटी है, जो भी यहाँ के जो समाज की तरफ से, जो अन्य सभी भक्तजनों की तरफ से सहयोग से जो मंदिर बनाया जा रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है मित्रों। यह है, ये रात का सीन है मित्रों। अभी हम आरती पर आए माता जी के, और पूरा इधर का वीडियोग्राफी आपको दिखाए, इसलिए हमने सोचा कि एक बार माता जी का जो सबसे प्राचीन माता जी, चामुंडा माता जी का प्राचीन मंदिर है, वो हम आपको चैनल के जरिए हम आपको दिखाएंगे, इसलिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं। ये मंदिर है मित्रों, और ये अजमेर में प्राचीन मंदिर है, नाग पहाड़ियों पर जो माता जी बैठी हुई है वही माता जी का मंदिर है, ये चामुंडा माता जी का मंदिर है। चले अपन नीचे, आ जाओ, इसका दो तीन जगह रास्ता है, एक तो उधर शायद धोनी का उधर भी है रास्ता। ये मतलब कैसे पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम से है, मतलब वो जो आप अभी थोड़ा हमारे को बताया था, थोड़ा चैनल पे बताओ कि मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ से माता जी को कैसे लेके जा रहे थे, वो आप बता रहे थे ना, वो थोड़ा बताइए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देखो आपके जो अपने जो पुराने बुजुर्ग बताया करते थे ना, वही चीज़ आप बताइए, अपने पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम से है, मतलब वो जो आप अभी थोड़ा हमारे को बताया था, थोड़ा चैनल पर बताओ कि मतलब जो पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ से माता जी को कैसे लेके जा रहे थे, वो आप बता रहे थे ना, वो थोड़ा बताइए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देखो आपके जो अपने जो पुराने बुजुर्ग बताया करते थे ना, वही चीज़ आप बताए, अपन ने देखा नहीं, लेकिन पुराने बुजुर्ग अपने बताते आ रहे हैं, तो हाँ नहीं देखा, लेकिन अपने जो बुजुर्ग बताते आ रहे हैं वही चीज़ अपन आगे बताएंगे। ऊपर है बिल्कुल, ठीक है, हाँ भैरव जी आगे है, भैरव जी का फिलहाल में हमारी माता जी यहाँ है, फिलहाल में यहाँ आके चवंडा वहाँ रुक गई है। जी जी, ठीक है, जो वो मंदिर है वो यहाँ से सेकंड पे वो जी जी, बाकी मतलब यहीं से कांकरे वहाँ लेके गए माता जी, बिल्कुल बाकी पृथ्वीराज चौहान वहाँ के वहीं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से मतलब जो पहाड़ों पे माता जी है, यहाँ से माता जी को मतलब वो चाह रहे थे कि वहाँ तारागढ़ पे बिठाए, लेकिन वो बीच में पीछे, लेकिन माता जी नहीं नहीं हाँ पीछे देखने से गए। अच्छा, मतलब पृथ्वीराज चौहान जी पीछे देख ले, हाँ तो वहीं रुक गई। अच्छा, ले जाते समय मतलब पीछे नहीं देखना चाहिए था, अगर वो वहाँ ले जाना चाह रहे थे तो पीछे नहीं देखते तो जरूर माता जी चली जाती, चली जाती, लेकिन पीछे देखने की वजह से वहीं विराजमान हो गई, और वो आज बोराज में मंदिर स्थित है, तो सेकंड पे वो मंदिर बना है, और फर्स्ट में जो प्राचीन माता जी का मंदिर वही है, वही है, और वहाँ से फिर मतलब वहाँ ले गए, उसके बाद में फिर यहाँ के गाँव वालों ने देखा कि भाई ऊपर बहुत है मंदिर, तो सबने देखा कि भाई नीचे अपन माता जी को जोत ले आते हैं, और नीचे अपन माता जी की सेवा करेंगे, और यही अपन सब दर्शन हो जाएंगे माता जी का, मंदिर बनाया था जी जी, अब लेकिन अब काफ़ी भव्य मंदिर बनने जा रहा है, बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है, हमारा दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पर मित्रों, आप भी सभी आ सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, और माता जी के दर्शन करने एक बार ज़रूर आइएगा कोटड़ा में, बहुत ही ये मतलब क्या बताऊँ, ये कौन सा एरिया बोलते हैं नीचे, ये विवेकानंद गार्डन, ये एरिया, या
वैसे तो विवेकानंद गार्डन बना है मित्रों, विवेकानंद गार्डन के पास में ये है माता जी का मंदिर। और आप नहीं जानते हो तो किसी को पूछोगे कोटड़ा में विवेकानंद मंगलम के पीछे है, ये मंगलम के पीछे पूछ सकते हो आपके विवेकानंद गार्डन जाना है तो विवेकानंद गार्डन के पास में मतलब ये मंदिर बन रहा है। और बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है, चामुंडा माता जी का मंदिर है। और आप एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ दर्शन करने, बहुत भव्य मंदिर है मित्रों। तो आप ये भाई साहब है मित्रों, ये माता जी के रहते हैं और ये भोपाल जी का सहयोग करते हैं। और झालर वगैरह सारा मतलब जो आरती होता है उसमें हमेशा ये मतलब माता जी को तन मन धन से मानते हैं और माता जी की सेवा में रहते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं की भी सेवा में रहते हैं। और बहुत ही मतलब हम लोगों की बहुत अच्छी मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार से बात करी, बहुत अच्छा लगा हमारे को इनसे मिल के, बहुत खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये माता जी के बिल्कुल मंदिर के अड़ाके हैं, बिल्कुल मंदिर के टच में है मित्रों, बहुत अच्छा कुआ है। और इधर तो इसमें अभी मतलब ज़्यादा पानी तो नहीं होगा या वैसे अभी गर्मी की वजह से जलापूर्ति होती है, जैसे पेड़ पौधे पीछे जानवर पानी पी लेते हैं। अच्छा, इसी कुएं से पानी हो जाता है अभी? तो हो रहा है, अभी हो रहा है, ये पेड़ पौधे पानी पी रहे हैं। और इसमें कुछ डाल रखा है मोटर वगैरह? उसमें डल रखी है बोरिंग, मोटर ऑटोमेटिक डालते हैं इमरजेंसी में, वहाँ चल लग रखी है। इसमें कम पड़ता है उसमें डाल देते हैं, इसमें कम पड़ता है इसमें डाल देते हैं। सही ये मतलब ये भी मतलब पानी तो है, इसमें पानी है पर यहाँ के पौधे वगैरह पी लेते हैं और श्रद्धालु वगैरह के लिए हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। थोड़ी वैसे ज्यादा जरूरत तो होती नहीं है, बस पानी पीने के लिए और वो खेली बनी हुई है। अच्छा, वो ये खेली तो पुराने टाइम से मतलब ये कुएं से सप्लाई होती है उस टाइम सारे, मतलब ये खेली बनी हुई है। रात को कोई जानवर आते पानी पीते हैं, ये क्या बना हुआ है मतलब जानवरों को ध्यान रखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानों को ध्यान तो रखते हैं लेकिन हम जानवरों रात में तो क्योंकि बहुत ही डरावना है। और इधर अब तो काफी थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर वैसे तो अगर मतलब क्या बताऊं, मतलब पहले के समय पे तो शायद यहाँ जान वो आते होंगे शेर वगैरह, क्योंकि ये जो ये सब सबके लिए खेली बनी हुई है, पानी पी के वहाँ के वहीं तो जंगली जानवर मतलब आते होंगे, रात में भी आते होंगे। आते हैं वो तो, आते हैं वो तो, जंगल है तो आएंगे। इनके लिए पानी भर रखा है इधर, ये खेली है, ये वाली है, बिल्कुल इनके लिए पानी भर रखा है, इनके लिए पहले भरते हैं हम। हाँ बिल्कुल, जंगली जानवरों के लिए भी विशेष ध्यान रखते हैं यहाँ के जो मतलब माता जी के जो सेवक है सब लोग यहाँ पर जो रहते हैं, वो जंगली जानवरों के लिए भी विशेष ख्याल रखते हैं। यहाँ पे पानी वगैरह की सारी व्यवस्था की हुई है, खेड़ियाँ बना रखी हैं और बाकी श्रद्धालु की तो बहुत सेवा करते हैं, ऐसा मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है। आगे चलते हैं और इधर से आ जाते इधर से उसी टाइम का है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया क्या कोते गए। और अभी क्या गर्मी भी है ना, तो थोड़े पानी गहराई में चला जाता है, थोड़ा लपड़ा पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इधर क्या सराय बना रखी है? ये वो खाने पीने के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं रसोई पानी होती होगी है ना, वो जो रसोई हाँ भंडारा वगैरह जब भी होता है उसके लिए ना? उसके लिए वो अलग ही है। अच्छा अच्छा, जो हाँ हाँ वगैरह जो बनता है ना, जो प्रसादी होती है ना वहाँ बनती है। अच्छा, उसके लिए सराय है, ये अलग ही है, ये अलग ही है। अच्छा, उसके लिए सराय है, ये अलग ही है, ये अलग ही है। मतलब जो भी करना चाहते हैं वो ये सब अलग है, सामने से लेना चाहते हो सामने उधर से ले आता हूँ। ओ ओ, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा मतलब ये एरिया जी आराम से सब कुछ को टेंशन नहीं है, कोई भी प्रसादी करो यहाँ। सही है, जो चाहो जो अलग मंदिर से अलग। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही है ना, साइड में देखो भोजन प्रसादी जो भी है, उठिया जुटिया जो भी होता है मतलब साइड में हो जाता है। सही बात है, मंदिर हाँ। मतलब एक तो ये जो मतलब जैसे पूजा वगैरह जो होती लगती है ना बकरे की, वो किधर होती है? जैसे वो माता जी वहाँ पे तो साइड में होता है, यहाँ कैसे होता है? यह साइड में। अच्छा, यहाँ पे माता जी के सामने सामने होता है, यहाँ से यहाँ पे मतलब बकरे की बलि दी जाती है। यही है, यही एरिया ऑटोमेटिक आ जाता है, बस ऑटोमेटिक ही जब भी मतलब पूजा का समय होता है वो खुद आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, उसमें कोई लेने देने नहीं। ये बालाजी का तो पर्दा होता होगा बालाजी महाराज का? पर्दा लगता है, हाँ चादर का पर्दा लगाते, हमारे भी ऐसे लगाते हैं।
देखो बिल्कुल बिल्कुल सही है, हम और आप एक ही बात, एक ही बात है, सही है। लेकिन हाँ, जो चीज को पर्दा लगना है तो लगेगा ही लगेगा। सूर्य भगवान के और बालाजी महाराज के जो पर्दा सब कुछ मतलब होके फिर ही मतलब माता जी बोली लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर्दा लगना है। हाँ, और ये आपके सामने है, ये पूरा बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया, आराम से कोई दिक्कत नहीं। बाकी मतलब इतना अच्छा मौसम वातावरण है कि मतलब आदमी जाने का मन नहीं करे, सुकून बैठा ही रहे। हाँ, बैठा ही रहे आराम से, मतलब सुकून आ जाता है, भूख तक नहीं लगे। ये सुकून का मंदिर है। हाँ।